तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि पिछली पार्ट्स में हमने देखा था सूरत का बुलेट ट्रेन का स्टेशन का नज़ारा, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्टेशन से 10 किलोमीटर यानी मुंबई की साइड का जो काम कितना हुआ है, कितना बाकी है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ दोस्तों सूरत स्टेशन से, और आगे 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर करने वाला हूँ। और काम की बात करूँ तो काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, ऊपर ट्रैक स्लैब का भी काम चालू कर दिया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अगले पार्ट्स में देखा था जो सूरत में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी थी और उसका पूरा व्यू कराया था। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेशन से आगे तक का काम कितना हुआ है, कितना बाकी है दोस्तों, जो कि बिल्ली मोरा साइड का काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बनाई जा रही है पोर्टल भीम। पोर्टल भीम दोस्तों तब बनाई जाती है जब कोई पाइपलाइन या गैस लाइन जो होती है, जो कि पिलरों के बीच में आती है, तो उसके लिए पोर्टल भीम बनाई जाती है। दोस्तों, गुजरात में हम अगर बुलेट ट्रेन के काम की बात करें तो 40% काम कंप्लीट हो चुका है। पेयर वर्क से लेकर लॉन्चिंग तक का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वहीं पे महाराष्ट्र में इसका 15% ही काम हो पाया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारे भारत में फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, उसका पहला ट्रायल रन सूरत स्टेशन से और बिल्ली मोरा स्टेशन तक ही दोस्तों किया जाएगा। और मैं आपको कम्प्लीटली वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ है सूरत से और बिल्ली मोरा स्टेशन तक दोस्तों। पार्ट्स में वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको, जैसे कि मेरा सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था सूरत स्टेशन की वीडियो बना के दिखाई थी, और अभी जो मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ वो सूरत स्टेशन से और 10 किलोमीटर आगे तक का काम जो हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर काम की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है आगे, वहाँ पर भी जोरों शोरों में दोस्तों काम किया जा रहा है। और आगे एक नई टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है जो कि गार्डर लॉन्च कर रही है दोस्तों। और इस साइड में सीधा जाता है सूरत स्टेशन की साइड में दोस्तों, और अभी जो मैं आपको अपडेट दिखाया था दोस्तों, वीडियो बना के दिखाया था, वो जाता है बिल्ली मोरा की साइड में दोस्तों। और ये पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो सूरत स्टेशन से और बिल्ली मोरा स्टेशन तक का कितना काम हुआ है, कितना बाकी है दोस्तों, क्योंकि 2026 में इसका फर्स्ट ट्रायल रन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पीछे की साइड में देखा था, वहाँ पर सेगमेंट वगैरह लॉन्चिंग कर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ पिलर वगैरह बनके कंप्लीट हुए हैं। आगे इसका कास्टिंग यार्ड है, वहाँ पे इसके सेगमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, वहीं से दोस्तों इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों द्वारा लाए जाते हैं। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इन्हीं पर दोस्तों बड़ी मशीनों द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, वहाँ लगी है एक लॉन्चिंग मशीन, वहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग का काम चालू है। और ये इस साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीधा जाता है अहमदाबाद की साइड में, सूरत स्टेशन की साइड में।
फ्रेंड्स, सूरत स्टेशन से और बिल्लीमोरा स्टेशन तक की मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा, पार्ट्स में वीडियो बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट बना के दिखा दिया था आपको, सूरत स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखाया था। वहां पर काम की बात करूँ तो काम ने काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ी हुई है दोस्तों, और ये सूरत से और बिल्लीमोरा के बीच में काम काफ़ी फास्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 2026 में इसका फर्स्ट ट्रायल रन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग काम ने काफ़ी स्पीड पकड़ी हुई है दोस्तों। हमारे भारत में फर्स्ट बुलेट ट्रेन की परियोजना जो कि चलने वाली है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ये स्टार्टिंग होगी साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती से, और ये जाएगी मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका लास्ट स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। इसमें स्पीड की बात करूँ तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने वाली है, और ये 508 किलोमीटर के डिस्टेंस में टोटल 12 स्टेशन बनाए जाए। और दोस्तों ये परियोजना 1,00,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाए। दोस्तों गुजरात में अगर हम बुलेट ट्रेन के काम की बात करें तो 120 किलोमीटर तक इसके गार्डर लॉन्चिंग का काम दोस्तों कंप्लीट कर दिया गया है। वहीं पे 271 किलोमीटर पेयर वर्क का काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे सारे पेयर वगैरह बनके कंप्लीट हो चुके हैं। गार्डर लॉन्चिंग का भी दोस्तों काम कंप्लीट हो चुका है, ऊपर साइड में रेलिंग वगैरह लगाई जा रही है, और दोस्तों सूरत स्टेशन से इसका ट्रैक स्लैब का काम भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि पटरियों का मटेरियल है उसकी भी मैंने वीडियो बना के अपने YouTube चैनल में डाल रखी है, जाके आप देख सकते हैं। सूरत स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे के ग्राउंड में दोस्तों इसका पटरियों का मटेरियल भी आ चुका है। तो ये इंटरेस्टिंग अपडेट है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला अपडेट कोई भी आप मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पे इसका कास्टिंग यार्ड था दोस्तों, और अभी के हम काम की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं जो कास्टिंग यार्ड है उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पेयर वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, गार्डर लॉन्चिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा सारे गार्डर लॉन्च कर दिए गए हैं, ऊपर ट्रैक स्लैब बिछाने का काम चालू है दोस्तों, और साइड में रेलिंग वगैरह लगाने का भी काम चालू है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं, ये है सूरत का कास्टिंग यार्ड जहाँ पे पूरा काम कंप्लीट होने के बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों अब कुछ काम नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिगमेंट वगैरह होते हैं इनको यहाँ पे बनाया जाता है, और इसको बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा लॉन्च किया जाता है। जैसे कि सामने आपको दिख भी रहा होगा एक बड़ी सी लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है, उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल मशीन बोलते हैं, जो कि सिगमेंट वगैरह उठाने का काम दोस्तों करती है। और ये सब नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट है, और मुझे कंप्लीट काम की ही वीडियो आपको दिखानी है दोस्तों, क्योंकि सूरत से और बिल्लीमोरा के बीच का मुझे पूरा अपडेट देना है आपको। पार्ट टू पार्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा, इससे आने वाला पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें दिखाऊँगा मैं आपको नवसारी का कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। और दोस्तों इससे जो अगला मेरा अपडेट रहेगा वो रहेगा नवसारी का सेक्शन, कि कितना काम हुआ है वहाँ पे, वहाँ का भी हम लोग अपडेट देखने वाले हैं बहुत जल्द। इसके बाद मैं आपको नवसारी का अपडेट देने वाला हूँ, और ये पार्ट में वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। उसके बाद बिल्लीमोरा सेक्शन का काम, उसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको बिल्लीमोरा स्टेशन का काम दोस्तों इस 508 किलोमीटर के रूट में टोटल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा और सबसे बड़ा स्टेशन जो बनाया जा रहा है वो बिल्लीमोरा स्टेशन ही बनाया जा रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है भारतीय की रेलवे लाइन, उसके ऊपर चलने वाली है हमारी बुलेट ट्रेन, जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, जो कि चलने वाली है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये था डिपो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं सर्विस डिपो, जो कि हमारे भारत में जो बुलेट ट्रेन के पार्ट्स आएंगे और उनको यहाँ पर रेडी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की वीडियो में हमने देखा बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट देखा, और यहाँ पे काम की बात करूँ तो काम आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों, काम है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ऊपर ट्रैक स्लैब का भी काम चालू कर दिया गया है, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का फर्स्ट जो ट्रायल रन होगा वो सूरत से और बिल्लीमोरा के बीच में होने वाला है दोस्तों। 2026 में इसका बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन होगा, उसी के हिसाब से काम को रफ्तार पकड़ी हुई है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना।